उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का तांता देखने को मिल सकता है। अभी तक भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी को लग रहा था कि चुनाव से पहले भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि आचार संहिता के बाद भर्ती देखने को मिलेगी। क्या यह भी सत्य आचार संहिता के बाद देखने को मिलेगी या भर्ती की गाड़ी काफी दूर तक है? तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन भी हो चुका है। गठन होने के बाद कई ऐसी प्रक्रिया थी जो चालू हो चुकी है और उनकी बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आचार संहिता के बाद क्या वास्तव में कोई नई भर्ती देखने को मिल सकती है, कि कौन सी भर्ती ऐसे जो सबसे पहले जानने पढ़ने सुनने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रहे, एक एक करके हम सारी बातों को बताएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिएगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो गठन हुआ है, ये सबसे पहला काम जिनका है टीजीटी और पीजीटी के जो फॉर्म आवेदन करा दिए गए हैं उन आवेदकों को सबसे पहले परीक्षा कराना। तो जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर चुके थे और अपनी तैयारी रोक दिए थे, वो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दे, क्योंकि सबसे पहला काम जो है ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये अगस्त सितंबर तक ये संभावित है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं करा सकता है। तब आपके पास समय कम बचेगा, तब आप रिविजन करेंगे, दोहराएंगे कि पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है। साथ ही साथ क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी भर्ती देखने को थोड़ी सी दूर है, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती में आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। जूनियर में अगर मैं बात करूं 6 से लेकर 8 तक में, तो जो अभ्यर्थी बीटीसी और बीएड किए हैं उन दोनों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है जो आपके सामने समझने लायक है कि जो अभ्यर्थी मान लीजिए बीएड उस वो तो टीजीटी दे लेगा, क्या दे देगा, टीजीटी, टीजीटी परीक्षा, क्योंकि उसने आवेदन भी कर रखा है। लेकिन जो अभ्यर्थी इसके साथ साथ पीजीटी अभ्यर्थी दोनों पीजीटी जो पीजी है, अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का संबंध किससे है, पीजी से, मतलब जो अभ्यर्थी पीजी किए हैं वो पीजीटी दे पाएंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी डीएलएड किया हुआ है, यूं कह सकते हैं डीएलएड, या जो अभ्यर्थी बीटीसी किया है वो 6 से लेकर 8 तक की भर्ती परीक्षा को दे सकता है। क्योंकि अगर हम 6 से लेकर 8 तक की बात करें तो जो 6 से लेकर 8 तक जूनियर शिक्षक भर्ती होती है इसमें बीटीसी और बीएड इन दोनों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। लेकिन इसके लिए इसका टेट मान 6 से लेकर 8 तक का टेट भी पास होना अनिवार्य, जबकि टीजीटी पीजीटी के लिए टेट पास होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी तरफ एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, जो भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी खासकर काफी महत्वपूर्ण होगा। जीजीआईसी या तो जीजीआईसी की जो भर्ती थी, जीजीआईसी कहें या जीआईसी की भर्ती कह लें, वो भी भर्ती आपको इस सत्र के बाद, मतलब इस सत्र क्या चुनावी सत्र के बाद आचार संहिता के बाद हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है। और एक और भर्ती है जो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी तक कराता रहा था, जी हाँ, वो एलटी ग्रेड की भर्ती। तो वो अभ्यर्थी केवल बीएड के भर्ती सम्मिलित हो सकते हैं, एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए टेट पास नहीं जरूरी है। मतलब अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो बीएड किया हुआ है और अभी टेट नहीं पास है तो वो अभ्यर्थी एलटी देख सकता है, वो अभ्यर्थी टीजीटी दे पाएगा, ये दो बड़ी भर्तियां वो देख पाएगा। साथ ही अगर जूनियर का टेट पास है 6 से लेकर 8 तक की भर्ती देख पाएगा। तो अगर अभी तक नहीं पास है तो सीटेट अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आप अब पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी आगे ले जा सकते हैं। फिलहाल अभी आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वास्तव में नई शिक्षक भर्ती देखने मिल सकती है। तो अभी नई शिक्षक भर्ती में थोड़ा समय आपको मिलेगा, लेकिन जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का आवेदन कर रखा था या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 1091 पद थे, लगभग नियर अबाउट, वो उनकी भी परीक्षाएं और नियुक्ति संभव है इस सत्र में, इस वर्ष में। अगर हम यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आचार संहिता खत्म होते भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक पदों की विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य मौजूद है। माने अब सबसे पहला जो काम यह है कि अब जो रिक्त पद है उन पर चर्चा हो रही है। अब कुछ लोग को मन में आ रहा होगा, अरे यार ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे, भर्ती नहीं आ रही, नहीं कोई बात, अगर आपको लग रहा है भर्ती नहीं आएगी तब आराम करें, क्योंकि अब अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है पद की संख्या। इस हिसाब से अगर हम बात के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है। जब सबका सिलेक्शन नहीं होना है तो भैया कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ेंगे परीक्षा आने के बाद, पढ़ेंगे फॉर्म भरने के बाद, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन लेना है वो निरंतर सतत रूप से पढ़ते रहते, कहीं ना कहीं भर्ती आती रहती है और एक दिन में तैयारी नहीं होती, इसलिए आप अपनी तैयारी सतत रूप से निरंतर जारी रखें। आगे है कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव शिक्षा एमपी अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने के बाद कही जा रही है, उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्य पद्धति और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की।
बैठक में नवनियुक्त चार सदस्य केसी वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन के सचिव रत्ना प्रिया, उप सचिव शिवजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर भी रहे। अब यहाँ पर एक बार देखा जाए तो आयोग में होंगे 100 से अधिक अफसर और कर्मचारी। यदि आप जान लीजिएगा कि सचिव की अध्यक्षता में बैठक में आयोग में पदों के सृजन पर चर्चा है। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक के अलावा कंप्यूटर सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि पर शीतकालीन भर्ती किया जाने की सहमति बनी। अफसरों के अनुसार आयोग में कुल 100 पद होंगे। विशेष सचिव ने चयन बोर्ड के उच्चतर आयोग में नियुक्ति अफसर कर्मचारी के विवरण भी एकत्रित किया है। उन्हें नए आयोग में भी सम्मिलित किया जाने की तैयारी है। मतलब कुछ ऐसे थे जो जिनको नए आयोग में सम्मिलित किया जाएगा और साथ ही साथ 100 और नए पद सृजित किए जा रहे हैं जो लोक सेवा आयोग में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। नीतिगत प्रदेश के आयोग की बैठक में इस पर चर्चा किया जाएगा। मतलब मैंने आपसे पहले बताया कि जो टीजीटी जिसमें लगभग 13 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं, 4100 से ज्यादा जो पद थे, सबसे पहला जो काम होने वाला है इसी पदों के लिए होने वाला है। इसलिए जो भी साथी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरकर सो रहे थे वो उठ जाए और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि 13 लाख आवेदन है और 4100 लोगों को नौकरी मिली है। तो 4100 में से आप तभी होंगे जब आप निरंतर रूप से सतत रूप से मेहनत करेंगे। तो खासकर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है, तो अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। जो बीएड है उनके लिए खंड शिक्षा अधिकारी एक बढ़िया मौका है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वेतन बिजली बिल के भुगतान आदि के मुद्दे यहाँ पे ये भी उठा कि जो आयोग में खर्च होंगे वो कहाँ से आएंगे, इन सभी को लेकर बातें हुई। मतलब एक बात तो साफ है कि अब एक जो ये उम्मीद टूट गई थी कि भर्ती नहीं आएगी, एक बार फिर से उम्मीद जगी है। पीआरटी की भर्ती थोड़ी सी दूर देखने को मिल सकती है, लेकिन जूनियर टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपके सामने है। तो जो फॉर्म भर चुके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे द्वारा भी निःशुल्क क्लासेस आपके लिए चल रही, खासकर खंड शिक्षा अधिकारी लेकर आप तैयारी करें तो डेली क्लासेज आ रही है, बाकी क्लासेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के इलेक्ट्रिक दुर्गेश, उसे जुड़िएगा, जहां पर सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो सब कुछ आपको फ्री में मिलती रहेगी। वैसे अब नोट्स संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको टीजीटी पीजीटी की नोट्स संबंधी वीडियो नोट्स संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी। एनसीईआरटी की नोट्स, देखिए एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर 12 हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। बाकी आप इच्छा पढ़े ना पढ़े, ये ध्यान रहे कि जो पढ़ेगा वही अत्यंत सफल होगा और उसे ही नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि अब नौकरी का जो संख्या पसंद धीरे धीरे कम होती जा रही है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए निरंतरता आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे नकारात्मक सवाल है, भर्ती नहीं आएगी, पढ़ाई नहीं करेंगे, पेपर लीक हो जा रहा है, मुझे पढ़ कर क्या होगा, बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन इन सवालों में जो खुद को बांध कर रख पाएगा वही अंतिम सिलेक्शन तक पहुंच पाएगा। बाकी आपकी मर्जी, जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो दूर दूर तक बिना सोचे उसको नौकरी इतनी जल्दी मिलने वाली। वैसे नौकरियों के में मैंने आपको पहले बताया पद संख्या कम होती जा रही है, वैसे आपकी मर्जी, मैं यही चाहूंगा कि अपनी तैयारी फिर से शुरू करिए, जो कर रहे हैं वो और तेज कर ले, बाकी जो बैठ के आराम कर रहे थे अब वो पढ़ना शुरू करें, बाकी आपकी इच्छा। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए आप अभी से अपनी कमर कस लें। टीजीटी पीजीटी खंड शिक्षा अधिकारी बीओ, जो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, बीओ एक बड़ी पद होती है और उस पद के लिए केवल बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है और पद 250 से 300-400 पद होते हैं और 4 से 5 साल में एक बार आते हैं। लोक सेवा आयोग कराते हैं, प्री और मेंस होते हैं। परीक्षा पैटर्न जो समझ लिया और पढ़ लिया उसके लिए परीक्षा उतनी कठिन नहीं है। फिलहाल आप जो सही लगे, आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्न आपके सवाल के लेकर इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।